हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चौहान्स किचन रेसिपीज। आज हम बनाने जा रहे हैं वाटरमेलन जूस। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देख लेते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। वाटरमेलन जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल वाटरमेलन लिया है। इसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। उसके साथ मैंने यहाँ पे आधा नींबू लिया है, एक काला नमक है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है और यहाँ पे मैंने चीनी ली है। अब पहले हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें हम हमारे वाटरमेलन के क्यूब्स डाल देंगे। और उसमें हम थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, दो से तीन चम्मच चीनी डालेंगे, और इसमें हम हमारा नींबू थोड़ा सा जूस डालेंगे नींबू का, और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है दो बार। अब इसमें हम एक ग्लास पानी डालेंगे और इसका अच्छे से स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे वाटरमेलन जूस को ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। अब हम इसको छान लेंगे ताकि अगर इसमें कुछ बीजों के पल्प और कुछ बचा हो तो वो निकल जाए। इस तरीके से हम हमारे वाटरमेलन को अच्छे से छान लेंगे जूस को। ये हमारा वाटरमेलन जूस बनकर रेडी है। हम इसको ग्लास में सर्व करेंगे। अब हम एक ग्लास लेंगे, उसमें हम दो छोटे छोटे नींबू कटे हुए इसको डालेंगे, दो तीन आइस क्यूब्स डालेंगे, दो आइस क्यूब्स डालेंगे और उसमें हम हमारा वाटरमेलन जूस डालेंगे। अब हम इसके ऊपर में भुना हुआ थोड़ा सा जीरा डालेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और इसको हम वाटरमेलन के स्लाइस से गार्निश करेंगे। ये हमारा वाटरमेलन का जूस बनकर रेडी है। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय फ्रेंड्स।